पालक पनीर पर्दा बिरयानी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। इसे बनाने के बाद दोस्तों आपको रोटी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिरयानी का जो पर्दा है उसे हम रोटी के जैसे किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो एक लाइक कर मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए क्रेव किचन में आज आप और मैं मिलकर बनाते हैं पालक पनीर पर्दा बिरयानी। बिरयानी का पर्दा बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 कप आटे की ले लेती हूँ। ये नॉर्मल हमारे गेहूं का आटा है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच दही के डाल देंगे। 1/2 चम्मच मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ, बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी लिया है जिसके साथ मैं इसे गूंद लूंगी। तो पहले हम क्या करते हैं, दही को मिक्स कर लेते हैं आटे के साथ और थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल के हम इसका आटा बना लेंगे। जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं बस उसी तरह से हमने इसे गूंद लेना है। पर्दा बिरयानी यानी पर्दा हम रोटी का बनाएंगे जिसके अंदर अब अपनी बिरयानी को दम देके बनाएंगे। यहाँ पर हमने आटा गूंद लिया है, रोटी के आटे के जैसे हमने इसे गूंद लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं, इसे अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं और इसे हम ढक कर रख देते हैं रेस्ट के लिए। जब तक इसे रेस्ट के लिए रखते हैं हम क्या करते हैं, पालक पनीर की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 बंच पालक ली है जिसे मैंने वॉश करके अच्छे से उसे कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्च ली है, लहसुन की मैंने 10-15 कलियाँ ली हैं, 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 टमाटर लिया है मैंने जिसे मैंने इस तरह रफली चॉप कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीजों को हमने पीस लेना है। तो सारी चीजों को हम डाल देते हैं मिक्सर के पॉट में, साथ ही में हम ये भी डाल देते हैं, टमाटर को भी डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालती हूँ और इसकी एक फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। पालक की हमने इस तरह से फाइन पेस्ट बना ली है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ और बिरयानी बनाते हैं। कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल के डाल देते हैं। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है तो हम फ्लेम को थोड़ा सा धीमे कर देते हैं। यहाँ पर इसमें हम गर्म मसाले डाल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसमें जीरा डालती हूँ। इसी के साथ मैंने 8-10 यहाँ पर काली मिर्च के दाने लिए हैं, ये भी हम डाल देते हैं। 3 हरी वाली इलायची डालते हैं, 2 इस तरह से मोटी इलायची ली है मैंने वो डाल देते हैं, 5-6 लौंग को डालते हैं और ये तेज पत्ता जो है इसे भी हम डाल देते हैं। और धीमी आंच पर ही हम इन्हें थोड़ा सा सेक लेते हैं। मसाले यहाँ पर हल्के हल्के से सिक गए हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को इस तरह से लंबा पतला काट लिया है, तो ये हम इसमें डाल देते हैं। प्याज को हम हल्के से सौते कर लेते हैं, ज्यादा लाल नहीं करेंगे, गुलाबी होने तक इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे। प्याज यहाँ पर हल्का हल्का सौते हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने 1 गाजर ली जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है, ये हम इसमें डालते हैं। इसी के साथ 1 बड़े साइज की शिमला मिर्च को भी मैंने इस तरह से काट लिया है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही में दोस्तों मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लेके उसे तवे पर थोड़ा सा इस तरह से हल्का हल्का सौते कर लिया है, ताकि बिरयानी में जब हम इसे डालेंगे तो ये टूटे नहीं, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हमने ये जो प्यूरी बना के रखी है ना, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। मिक्सर के बर्तन में भी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और चलिए इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। 1/2 चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ये भी मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला लिया है। दोस्तों ये मेरे घर का बना हुआ बिरयानी मसाला है, इसकी रेसिपी मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपके पास रेडीमेड मसाला है और तो आप वो डाल सकते हो, या फिर आप कोई भी गर्म मसाला इसमें ऐड कर सकते हो। स्वाद के अनुसार हम इसमें साथ ही में नमक डाल देते हैं और चलिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो गए हैं पालक और सारी चीजों के साथ। यहाँ पर अब मैं घर के जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। पालक पनीर बोलो तो वो थोड़ा सा क्रीमी होता है, उस हिसाब से हम इसमें थोड़ी सी मलाई भी डालते हैं। और चलिए इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम ढक के रख देते हैं और 10-15 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो गैस पे बनने देते हैं। यहाँ पर इसे रखे हुए 20-25 मिनट हो गए हैं, गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दी है और ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। बहुत भी ज्यादा इसे हमने ड्राई नहीं करना है, ये तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम चावल को भी बॉईल कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पतीले में पानी डाल दिया है। ये कटोरी से मैंने चावल का माप लिया था, 2 कटोरियां मैंने चावल की ली थी, तो इसी कटोरी के नाप से मैंने 6 कटोरियां पानी इस पतीले में ले लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी नमक, नमक की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हो। 1/2 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देते हैं और इस पानी को हम बॉईल कर लेते हैं। पानी यहाँ पर बॉईल हो रहा है तो इसमें हम डाल देते हैं भीगे हुए चावल। मैंने 15 मिनट पहले ही चावल को भिगो के रख दिया था। चावल को हमने पूरी तरह से कुक नहीं करना है, 80% तक कुक करना है, क्योंकि हम इसे दम पे बनाने वाले हैं तो दम पे भी ये बाद में थोड़ा सा कुक होगा। सारे चावल मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसे हम कुक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो चावल जो है फूल के ऊपर आ गए हैं, और चलिए इसे चेक कर लेते हैं हम। तो ये 80% तक कुक हो गए हैं। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और हमने क्या करना है, तुरंत इसे ड्रेन कर लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरह से एक स्ट्रेनर रख लिया है, नीचे एक बर्तन रखा है और सारे चावल जो है इसे हम डाल देते हैं इसमें और पानी अलग कर लेते हैं चावल को। चावल को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब तक यहाँ पर चावल थोड़े से ठंडे हो रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमने जो आटा गूंद के रखा था उसकी हम एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आटा हमने गूंद के रखा था इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मसल लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन जो है ना हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक पराठे के जितना जो है हमने निकाल लिया है, और बाकी का जो है इस तरह से इसे हमने रोल कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसे इसी तरह से प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा हम सूखा आटा यहाँ पर डाल देते हैं और चलिए इसे हम बेल लेते हैं। एक पतली सी हम रोटी बना लेंगे, बहुत भी पतला नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, जब हम इसमें चावल की लेयरिंग करेंगे तो ये फट जाएगी। तो हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। अगर मैं आपको इसका मेजरमेंट बताऊं तो ये 15 इंच इस तरह से मैंने बड़ी ली है, यहां से भी 15 इंच है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा पेड़ा हमारा हमने आटे का रखा था इसे भी हम बेल के एक छोटी रोटी बना लेते हैं। और इसकी थिकनेस मैं आपको बताऊं, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना बस उसी तरह से रखा है मैंने। तो हमने यहाँ पर दूसरी रोटी को भी बेल के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब कढ़ाई लेते हैं और उसमें हम अपने पर्दा बिरयानी को असेंबल करते हैं। आज मैं इस कढ़ाई में अपनी बिरयानी को बनाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर इसे घी के साथ पूरी तरह से इसे ग्रीस कर लेती हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने थोड़ी सी कलौंजी ली है, जिसे प्याज के बीज भी कहा जाता है, तो हम थोड़े से ये यहाँ पर स्प्रिंकल कर देते हैं। जब हमारी पर्दा बिरयानी तैयार होके बाहर निकलेगी ना तो ये कलौंजी उसके ऊपर बहुत अच्छी भी दिखेगी और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसका जो आउटर कवर हम बना रहे हैं ये भी आप खा सकते हो, ये बिल्कुल एक नान के जैसे लगता है खाने में। अब हमने जो रोटी बेली है वो हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। दोस्तों इतनी बड़ी रोटी को उठाकर कढ़ाई में असेंबल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से सूखा आटा जो है उसे लगा लेते हैं, थोड़ा सा इसे फैला देते हैं, इसे फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं, इस तरह से फोल्ड करते हैं और चलिए इसे अब हम कढ़ाई में रखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो रोटी फोल्ड की है बिल्कुल हम क्या करेंगे, इसे बीच में इस तरह से रखेंगे और इसे खोल लेंगे। तो देखिए ये आसानी से हो जाता है, इस तरह से बिल्कुल मुश्किल नहीं पड़ता है। और दोस्तों मैंने इससे पहले भी अपने चैनल पे पर्दा बिरयानी की रेसिपी शेयर की हुई है, बट उसमें मैंने जो ये पर्दा बनाया था ये मैंने मैदे का बनाया था। तो बहुत मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि आटे से हम इसे बना सकते हैं कि नहीं वो बताइए, तो आज मैं इसे आटे से बना रही हूँ। चलिए अब हम क्या करते हैं, चावल और पालक पनीर की लेयरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे थोड़े से चावल डाल देते हैं, एक पतली सी लेयर हम यहाँ पर चावल की बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2 से 3 प्याज को डीप फ्राई करके रख लिया है, तो ये थोड़ा सा हम प्याज डालते हैं, कुछ चॉप किया हुआ हरा धनिया, यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं फ्राई करके, तो ये हम कुछ इसमें डाल देते हैं। 1 चम्मच मैं यहाँ पर देसी घी का डाल रही हूँ। इसके ऊपर अब हम ये लेयर बनाएंगे जो हमने सब्जी बनाई है, पालक पनीर बनाया है हमने, उसका लेयर हम इसके ऊपर डाल देते हैं। हम 3 लेयर्स बनाने वाले हैं, उसी हिसाब से हम अपनी सब्जी को 3 हिस्सों में बांट लेंगे। अब फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे चावल,
फाइनली हमने चावल को इसके ऊपर फैला दिया है और अब हमने क्या करना है, जो हमने दूसरी रोटी बना के रखी है ना वो हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, इसे साइड से थोड़ा सा हम गीला कर लेते हैं क्योंकि हम इसके ऊपर अब ये जो रोटी है इसे हम स्टिक कर देंगे। मैंने पहले जो बिरयानी बनाई थी वो हमने मैदे की बनाई थी, तो उसकी हमने सिंगल रोटी की ही पोटली बनाई थी, पर आटा जो है ये ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता है, इस वजह से मैं ये थोड़ा सा सिंपल वे मैंने एक निकाला है जिससे हर कोई इसे आराम से बना सकेगा। पूरी तरह से इसे हम फोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी पानी लगा के इसे अच्छे से दबा देते हैं ताकि ये खुले नहीं बनते हुए। तो हमारा ये तैयार हो गया है, अब बनने के लिए हम गैस की तरफ चलते हैं और बिरयानी को बनने के लिए रखते हैं। यहाँ पर गैस को ऑन कर देते हैं, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे बनाना है और मैं यहाँ पर साइड में थोड़ा सा इस तरह से घी डाल रही हूँ ताकि हमारी पोटली जो है बहुत अच्छे से क्रिस्पी होके बने। तो चलिए इसे अब हम ढक देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले एक किचन टॉवल जो है इस तरह से इसके ऊपर रख देती हूँ और फिर इसे मैं ढक देती हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, पसीना जो आता है ना इसमें जो स्टीम जमा हो जाती है तो वो पानी हमारी जो पोटली है उसके ऊपर नहीं गिरेगा। इस तरह से इसे रख के हम बिल्कुल स्लो गैस पे आधे घंटे तक एक तरफ से बना लेते हैं। आधा घंटा हो चुका है इसे बनते हुए, तो चलिए हम ढक्कन को खोलते हैं और इसे चेक कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक नॉनस्टिक तवा ले लेंगे, उसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसे हम टर्न कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पर्दा बिरयानी जो है इस तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, कढ़ाई को इसी तरह से इसी के ऊपर रख देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसे बनने देते हैं। दूसरी तरफ से भी इसे बनने के लिए 20 मिनट लग जाएंगे। वेट करते हैं पर्दा बिरयानी के बनने का। यहाँ पर दोस्तों इसे 15 मिनट हो चुके हैं इस तरह से रखे हुए और बिरयानी हमारी बन चुकी है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और बिरयानी को हम सर्व करते हैं। इस तरह से इसे कट करके हम सर्व करेंगे, तो आप भी इसे बनाएं और अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारी रेसिपी को पहली बार देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल बटन को जरूर दबाएं। ऐसे ही नई नई और मजेदार रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी।